फ्रेंड्स, कैसन हैं आप सब? एकदम मस्त। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वीवीएसपीयू में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसका आंसर की देखेंगे। बहुत ही कम समय में आपको बताऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन थे सब आसान थे, मैंने जितने करवाए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं, तो आप लोग अच्छे से कर भी लिए होंगे। पहला क्वेश्चन था, द नेचर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज टर्म्ड एज। संचारी रोगों के प्रकार जो उनको प्रसार होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, उनकी प्रगति को क्या कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी मतलब परजीवी विज्ञान, इम्यूनोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, एपिडेमियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी तो प्रतिरक्षा से संबंधित है, ये डिजीज के स्प्रेड होने की बात कर रहा है, तो वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। द जर्म थियरी ऑफ डिजीज वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो आप सबको पता है जर्म थियरी कोच ने दिया था, मैंने कई बार इसको बताया भी था, चार पांच बार आपको बताया था। रोग का रोगाणु सिद्धांत जो था किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोच के द्वारा। तो इसमें आपको राइट आंसर मिलेगा फोर्थ वाला, लुईस पाश्चर और कोच, इन दोनों ने इस पर किया था शोध। द एजेंट विच कैरीज आ डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इज कॉल्ड। एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक इंडिविजुअल में डिजीज कॉज किया गया है किसी पैथोजन के थ्रू, फिर उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछा गया। वह कारक जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसको वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। बैक्टीरिया फाउंड इन कॉलन ऑफ ह्यूमन आर, जो बृहदान्त्र होता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन पार्ट होता है, उसमें जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, उसको क्या बोलते हैं? तो आप सबको पता है ई कोलाई जो होता है, इसके एस्केरिसिया कोलाई, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियोप्लाज्म अ कॉन्स्पिक्यूअस बॉडी ऑफ स्फेरिकल शेप्ड अटैच्ड टू अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम ऑन अ डिफिनिट पोजिशन इज कॉल्ड। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियस की बात किया जा रहा है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसका जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो बॉडी, स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोला जाता है उसे, आप सब जानते हैं, ठीक है। द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक एसिड से जुड़े प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड होती है ना, हिस्टोन प्रोटीन। व्हिच शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए और आरएनए, इसमें कौन सी पेंटोज शुगर पाई जाती है? आपको पता ही होगा पेंटोज शुगर, आरएनए में राइबोज पाई जाएगी और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, वो क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है, मतलब इसमें 5 कार्बन होते हैं इस रिंग में। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड डुप्लीकेशन, रिप्लीकेशन को बोलते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन बात वही होती है। अगला क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन आ डिवाइडिंग एनिमल एंड प्लांट सेल लाइन लाइज इन, मतलब जो एनिमल हैं और प्लांट हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है उसमें किस चीज़ में डिफरेंस होता है? देखो, बाकी चीज़ें सभी सेम होती हैं, जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो वो प्रोसेस दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। एक में अंदर की ओर ग्रूव्स बनती है, खांच बनती है, वो अंदर तक चली जाती है, और एक में सेपटा जैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेल प्लेट जो फॉर्मेशन होता है ये दोनों में डिफरेंट होता है। द टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय, माइटोसिस शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ न्यूली फॉर्मड सेल टिल इट ग्रोज एंड डिवाइड्स टू फॉर्म द डाउटर सेल्स आर कॉल्ड। नव गठित कोशिका में तब तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला बढ़त और विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाती है, इसको क्या कहते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं ना, सेल साइकिल में ही तो होता है प्रोसेस। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस, देखो ये दोनों जी1 और जी2 में पाया जाता है। इसको मैंने कई बार इस तरह से डायग्राम बना के आप लोगों को बताया था, ये एम फेज है, ये जी1 है, ये यस है, ये जी2 है, यहाँ पे जी नोट भी होता है। यस में बताया था डीएनए डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन होता है, जी1 जी2 में प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है, यम में क्या होता है? असल में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो जी1 और जी2 फेज जो है इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस,
एज इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ। कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस से किस प्रकार अलग होता है, तो मैंने ये भी बताया था आपको, डिटेल में बताया था कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस में होता है क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसका सेल, असल में सेल डिवाइड करती है, ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसमें क्रोमोसोम होंगे, तो क्रोमोसोम एक से दो जगह विभाजित हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और ये सेल दो भागों में डिवाइड होगी, मतलब दोनों में, पहले जब दो सेल बनेंगी एक सेल से तो दोनों में जो क्रोमोसोम वो भी जाएंगे, तो पहले इसमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दो पार्ट में, फिर सेल डिवाइड करेगी, तो यही ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। व्हिच ऑफ द फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे बड़ी होती है, तो प्रोफेज जो होता है ये पूर्वावस्था सबसे बड़ी होती है। स्पिंडल अपेरेटस इज मेड अप ऑफ, स्पिंडल उपकरण किसका बना होता है, स्पिंडल अपेरेटस माइक्रोट्यूबुल्स, पॉलीसोम्स, स्फीरोसोम्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सबको पता है माइक्रोट्यूबुल्स जो होती हैं सूक्ष्म नलिकाएं, उनसे बना होता है स्पिंडल उपकरण। माइटोसिस रिजल्ट्स इन, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम की जो संख्या होती है सेम रहती है, डबलिंग क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, राइट आंसर थर्ड, इसमें जो है किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं होता है, अगर डिप्लॉइड है तो सेल डिप्लॉइड ही रहती है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आती है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन अ कंप्लीमेंट पिच ऑफ जेड डीएनए, ये सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम से एक दिन पहले ही करवाए थे। जेड डीएनए की एक पूर्ण पिच में न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 12 होते हैं, मैंने कहा था ना जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए इसमें होते हैं 10 और जेड डीएनए में कितने होते हैं, 12 होते हैं। न्यूक्लियर डीएनए इस सेंड्स इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू, परमाणु डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना भेजता है, किसके थ्रू, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, सबको पता होगा, इस फुल नेम पता होगा फिर भी जान जाओगे, मैसेज इसी थ्रू तो भेजता है जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेंजर आरएनए, डीएनए जो होता है डीएनए से कोडिंग जाएगी किसके थ्रू, एमआरएनए, अब एमआरएनए आगे आनुवंशिक कोड जो होते हैं उससे कोड करेगा, तीन तीन के जोड़े जो होंगे एडेनिन गुआनिन थायमिन, इससे एक एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, वो अमाइनो एसिड टीआरएनए ढूंढ ढूंढ के लेके आता है, फिर जोड़ते रहते हैं, इस तरह से अमाइनो एसिड की पेप्टाइड की चेन बन जाती है बड़ी। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, जो जैविक झिल्ली होती है उसका प्रमुख घटक क्या होता है, लिपिड, इसमें भी फॉस्फोलिपिड होता है मेन, उसमें भी एग्जाम्पल मैंने बताया था लेसिथिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स द प्रोटीन ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन किसमें अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, सीलिया, सीलिया में होगी, फ्लेजलम में भी होगी, माइक्रोट्यूबुल्स में भी होगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर इपिसोम्स, इपिसोम्स क्या होते हैं, इपिसोम्स जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड, ये जो बाह्य डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो उसी को बोलते हैं इपिसोम्स। द ऑर्गेनिज्म चूज बाई मेंडल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाज, मेंडल ने कौन से प्लांट को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो सबको पता है पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर जो होता है गार्डन पी उसी को बोलते हैं, उसी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ रिसेसिव करेक्टर ऑफ मेंडल, रिसेसिव मतलब रिसेसिव पूछा है, प्रभावी नहीं, डोमिनेंट नहीं, तो इसमें से ग्रीन पोड तो डोमिनेंट है, एक्जियल फ्लावर भी डोमिनेंट है, राउंड सीड भी क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन रिंकल्ड जो होते हैं, रिंकल्ड सीड मतलब झुर्रीदार, वो कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर है, सेप ऑफ सीड का है ये। गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब ये दो जगह दो ऑप्शन है सेग्रीगेशन के, सेकंड और फोर्थ सेम है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड और फोर्थ किया होगा उसको नंबर दें या फिर इस क्वेश्चन का नंबर सबको मिल जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम किस आधार पर दिया था, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है
ला प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जब करवाया था उसके थ्रू बताया गया था, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनो हाइब्रिड रेशियो, मोनो हाइब्रिड रेशियो में आप लोगों को पता है कितना आता है, 3:1, 3:1 आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप आता है 1:2:1। इफ टू एलील्स कम टूगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ दिस इज कॉल्ड, मतलब दो युग्म विकल्पी एक साथ हैं तो केवल एक ही स्वयं को व्यक्त कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक अपने प्रभाव को दिखा रहा है दूसरा नहीं दिखा पा रहा है। जॉइंटिस इज कॉज्ड बाय, पीलिया किसके कारण होता है, तो पीलिया मान के चलो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो वर्णक होते हैं पिगमेंट होते हैं हमारे लीवर में बाइल जूस में, जब आरबीसी का डिकम्पोजिशन होता है वो डिकम्पोज करते हैं टूट जाते हैं स्प्लीन में, तब उससे जो है क्या बनता है, बिलीरुबिन जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं उससे होता है, तो ये कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू भी हो सकता है। हीटिंग फूड एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रिवेंट ऑल बट फॉलोइंग डिजीज, भोजन को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से निम्नलिखित बीमारियों को छोड़कर बाकी सभी बीमारियों से बचा जा सकता है, जितने बैक्टीरियल डिजीज होंगे उससे तो बच जाओगे अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करोगे, क्योंकि क्या होगा वो जितने बैक्टीरिया होंगे उनकी सेलवाल का लाइसिस हो जाएगा टूट जाएगी, लेकिन वायरस जो होगा वो बच जाएगा। तो हेपेटाइटिस बी किससे होता है, वायरस से होता है। कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से। बोटुलिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से। साल्मोनेला इन्फेक्शन जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, तो ये सभी बैक्टीरियल डिजीज, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। एड्स इज आ, एड्स एक है कैंसर है भाई, कैंसर दूसरा डिजीज, एड्स दूसरा डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज नहीं, बैक्टीरियल नहीं है, एचआईवी से होता है, एचआईवी वायरस है। डिफिशेंसी डिजीज, तो देखो ये डिफिशेंसी डिजीज भी है, इसमें डिफिशेंसी होती है, लेकिन फर्स्ट हमको मिल रहा है वायरस बर्न डिजीज, तो ये वायरस जनित डिजीज होता है ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसमें देखो इसका फुल नेम में भी आता है डिफिशेंसी सिंड्रोम, DS का मतलब यही होता है ना, डिफिशेंसी सिंड्रोम, लेकिन डिफिशेंसी डिजीज है, डिजीज का मतलब अलग होता है, सिंड्रोम में कई सारी चीज़ों की डिफिशेंसी होती है। पोलियो वायरस इंटर्स थ्रू, पोलियो वायरस किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो ये ओरली जो है माउथ के थ्रू इंटर करता है, तो फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर जो होगा उसी को तो हम माउथ के थ्रू लेंगे तो उसी के थ्रू ये स्प्रेड करता है, अंदर जा सकता है, इंटर करता है। ड्यूटेरानोपिया इज आ डिजीज व्हेन देयर इज नो परसेप्शन ऑफ डॉट डॉट कलर, इसमें किस कलर, तो इसको देखो ग्रीन ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है जो डिजीज है ड्यूटेरानोपिया, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, और इसका नाम होता है ग्रीन ब्लाइंडनेस, ग्रीन ब्लाइंडनेस, इसका मतलब क्या है, इसमें जो ग्रीन कलर होता है उसको नहीं पहचान पाता है। मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ, मेंडल सबको पता है किसके पिता कहलाते हैं, जेनेटिक्स के, आनुवंशिकी के। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स, ABO रक्त समूह प्रणाली प्रदर्शित करती है। मल्टीपल एलिजम, सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम से पहले करवाए थे, इसमें मल्टीपल एलिजम देखने को मिलता है। हाउ मैनी पॉसिबल जीनोटाइप आर देयर फॉर द ABO ब्लड ग्रुप्स, ABO रक्त समूहों के लिए कितने संभावित जीनोटाइप, 6 बताया था ना मैंने, अगर सारे लेक्चर आप जेनेटिक्स के देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। जीनोटाइप 6 होते हैं, फिनोटाइप 4 बताया था, 4 फिनोटाइप कौन से होते हैं, या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है या AB हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, ये 4 हो गए आपके फिनोटाइप जो बाहर से दिख सकते हैं, हम चेक करके बता सकते हैं। जीनोटाइप इनके अलग अलग हो सकते हैं, अब इसका जीनोटाइप तो एक ही होगा, I0 या स्मॉल आई लिख सकते हो। AB की बात करें तो इसमें भी एक ही होगा, IA और IB, तो ये 2 जीनोटाइप हो गए, बाकी इन दोनों के 2 जीनोटाइप होते हैं, या तो ये IA हो सकता है या फिर IA स्मॉल आई हो सकता है, ये भी बी जो है IB हो सकता है, IB और I हो सकता है, तो 2, 2, 4 और 2, 6 प्रकार के जीनोटाइप इनके संभव हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, जितने भी मैंने साइटोलॉजी के क्वेश्चन करवाए थे, जितने लेक्चर डाले थे, सब में ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया था बार बार, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में पाया जाता है, किसमें, पैकेटिन, एक एक जितने भी अवस्थाएं होती हैं, फेजेज होते हैं, सबकी मैंने जो जो वर्क होता है जिसमें क्या क्या कार्य होते हैं सब बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ अ सेल्स साइटोप्लाज्म,
निम्नलिखित में से किसे कोशिका का कोशिका द्रव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता? तो माइक्रोट्यूब्यूल को नहीं मान सकते। देखो राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपको अदर जगह भी मिल सकते हैं। द कॉमन फीचर अमंग न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया, केंद्रक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया के बीच सामान्य विशेषता क्या है? तो तीनों में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो ये समानता है इनमें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप फैसिलिटेट्स, जो केंद्रक होता है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ गलत थोड़ा टाइप हो गया है, वो ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में, तो मंगल ग्रह से करवा लाते हैं लोग एग्जाम का, जो इसका इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कराते हैं, तो न्यूक्लियस को लिख रहा है यहाँ परमाणु, यहाँ पर केंद्रक होना चाहिए। केंद्रक लिफाफे की संरचना सुविधा प्रदान करती है, किस प्रकार की? जो केंद्रक होता है उसके बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें छिद्र होते हैं, क्या होते हैं? पोर होते हैं। उस पोर से क्या होता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उससे साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में चीज़ों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। तो राइट आंसर होगा फोर्थ, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सामग्री के न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिनोसाइटोसिस, कई बार मैंने बताया था आपको, डायग्राम बना बना के बताया था कि सेल है कोई, अगर लिक्विड मटेरियल अंदर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, इंजेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, ठोस पार्टिकल की बात करो तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। सार्कोसोम सार, देखो सार्को वर्ड जो है ये मसल के लिए यूज किया जाता है, आपको हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन वगैरह, तो उसमें बताएंगे मसल के बारे में, मसल्स जो होती है हमारी, स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, कि जो सार्को शब्द है कहाँ, सार्को शब्द जो है सार्को वर्ड का यूज करते हैं हम मांसपेशियों के लिए, मसल के लिए। मसल में जो माइटोकांड्रिया पाया जाएगा उसको सार्को सोम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल में पाया जाएगा तो मसल में हम उसका नाम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से नाम होता है। जैसे हम सेल के ऊपर जो परत होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल लेमा, वहाँ बोलेंगे हम सार्कोलेमा, तो वहाँ हर ऑर्गेनेल के ऊपर आगे लग जाता है वर्ड सार्को। तो ये मसल की जो माइटोकांड्रिया होती है, मसल्स माइटोकांड्रिया, इसको बोलते हैं सार्कोसोम। माइटोकांड्रिया विल बी फाउंड इन अबंडेंस इन सेल ऑफ टिश्यू हैविंग, ऊतकों की कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? जो सेल ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही होगी, एक्टिवली फंक्शन कर रही होगी, वहाँ एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होगी, तो वहाँ पे माइटोकांड्रिया मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि माइटोकांड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो वो वहीं ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे जो सेल्स एक्टिवली क्या कर रही होंगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। मैक्सिमम एक्टिविटी जहाँ होगी, अधिकतम गतिविधि हो रही होगी, वहाँ पे आपको माइटोकांड्रिया का नंबर ज़्यादा मिलेगा। डीएनए कुड बी फाउंड इन, डीएनए कहाँ पाया जाएगा? लाइसोसोम में नहीं पाया जाएगा, पराक्सीसोम में भी नहीं पाया जाएगा, गोल्जी अपरेटस में भी नहीं, लेकिन जो माइटोकांड्रिया होते हैं ये प्रोकैरियोट सेल लाइक होते हैं, जिसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल, टेक्स प्लेसिन, सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए थे क्वेश्चन मैक्सिमम वही आए हैं। अब इसमें से जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, सारे लेक्चर नहीं देखे, उनको दिक्कत हुई होगी, बाकी जितने लोग प्रॉपर रेगुलर देख रहे थे वीडियो वो सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे, और कमेंट भी आया है, 75 में 70 भी किए हैं बच्चे, ठीक है, 70-72 सही किए हैं बहुत सारे बच्चे, 68 सही है, किसी के 69 सही हैं। क्रेब्स साइकिल माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, किसमें? मैट्रिक्स में। पूरा प्रोसेस भी मैंने बता दिया था, जबकि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हमें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है और उसकी स्टार्टिंग आज से ही होगी, मैं आज एक लेक्चर लूँगा आप लोगों की क्लास। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम की खोज किसने किसके द्वारा की गई थी? तो पलाडे ने किया था, सबको पता है, 11th से ही पढ़ते आए, 9th से पढ़ते आ रहे इसको। द करेक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, जो हमारे मनुष्य हैं, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या एग्जैक्टली करेक्ट किसने बताया था कि 46 ही होते हैं? तो इसको बताया था तजियो एंड लेवन ने। ह्यूमन फीमेल्स हैव 44 ऑटोसोम्स, मेल हो या फीमेल हो दोनों में मिलते हैं। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इन मैन काउजेस, इसको भी कई बार मैंने करवाया था, जो 21 के क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम।
क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। यही ट्राइसोमी अगर सेक्स क्रोमोसोम में हुई होती 23rd वाले में तो उसको बोलते क्लाइनेफिल्टर। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, 18th क्रोमोसोम पे एक कम हो जाता है, मोनोसोमी हो जाती है। गाइनेकोमास्टिया इज द सिम्पटम। आप सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, जितने भी क्वेश्चन सब करवाए हुए हैं। क्लाइनेफिल्टर जो होता है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का एक सिम्पटम होता है गाइनेकोमास्टिया। जीन्स नॉट लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड। ना जो केंद्रक होता है, केंद्रक के भीतर स्थित जीन लगभग हमेशा नहीं पाए जाएंगे। कहाँ नहीं पाए जाएंगे, हमेशा हमेशा पूछा है। साइटोसोल में कभी हमेशा नहीं पाए जा सकते। इन व्हिच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मेटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफ स्प्रिंग। वंशानुगत की किस विधा में आप संतानों में अधिक मात्र प्रभाव, जो मेटरनल इन्फ्लुएंस है, उसको मैक्सिमम कब देख सकते हो, जब एक्स लिंक्ड कैरेक्टर हो या वाई लिंक्ड हो या फिर साइटोप्लाज्मी ऑटोसोमल। तो एक्स लिंक्ड होगा तो मेटरनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो है वो निम्नलिखित में जीन की उपस्थिति का परिणाम है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होती है, मतलब ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है सेल का, इसके थ्रू जो इनहेरिटेंस आ रही है, मतलब वो माइटोकांड्रिया हो सकती है, माइटोकांड्रिया जो पड़ी होंगी उसमें डीएनए होता है तो उसके थ्रू हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू हो सकती है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया के थ्रू क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ कम्युनिकेबल, निम्नलिखित में से कौन रोग संचारी है, अमीबियसिस। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है अमीबियसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कॉज किया जाता है। टाइपेनोसोमा काजेस, सारे क्वेश्चन तो करवाया था मैंने। टाइपेनोसोमा का कारण है, किसका कारण है, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा कारक रोग। इन्फेक्शन ऑफ स्केरिस अकर्स बाय, स्केरिस का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो स्केरिस जो होता है ये भी किससे फैलता है, इसके जो इग होते हैं, अगर फूड या वाटर कॉन्टेमिनेटेड है इसके इग के द्वारा, अगर उस फूड और वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्केरिस का इन्फेक्शन हो जाएगा, स्केरियसिस। तो ये राइट आंसर है फोर्थ, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और पानी। माइक्रो फाइलेरिया इज फाउंड इन द पेरीफेरल ब्लड ऑफ मैन ड्यूरिंग, मनुष्य के परिधि जो पेरीफेरल ब्लड सिस्टम है हमारा, उसमें माइक्रोफाइलेरिया पाया जाता है रात्रि के समय, नाइट टाइम में मिलता है। ठीक है, सेक्स क्रोमेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय, सेक्स क्रोमेटिन की खोज किसने किया। देखो क्रोमेटिन पूछेगा तो अलग है, ये सेक्स क्रोमेटिन पूछा तो उसको बर्टराम ने डिस्कवर किया था। बार बॉडी इज फाउंड, बार बॉडी पे भी क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है। बार बॉडी जो होती हैं, बार बॉडी फीमेल की सोमेटिक सेल में पाई जाती है, सोमेटिक सेल्स ऑफ फीमेल। थर्ड सही हो जाएगा, मादा की देहिक कोशिकाओं में या कायिक कोशिकाएं बोल सकते हो। जेनेटिक काउंसलर्स कैन आइडेंटिफाई हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स बाय, आनुवंशिक परामर्शदाता जो होते हैं वो विषम युग्मजी व्यक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं, किस किस के द्वारा। ये तीनों मेथड हैं जिनसे वो पहचान सकते हैं, हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स, कलर ऑफ इंडिविजुअल्स, स्क्रीनिंग प्रोड्यूसर प्रोसीजर। ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा इसका सही। द स्टेटस ऑफ द फीटस फॉर जेनेटिक काउंसलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाई, आनुवंशिक परामर्श के लिए भ्रूण की स्थिति निम्न द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ये आप लोग जो फोर्थ चैप्टर है 12 बायोलॉजी का, 12th की जो बायोलॉजी है उसमें आप लोग पढ़े होंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से क्या होता है, जो भ्रूण होता है, फीटस होता है, तो यूटरस से जो इम्यूनिटिक फ्लूड होता है, इम्यूनिटिक फ्लूड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं, उससे चेक कर लेते हैं जो भ्रूण है उसमें कोई सिंड्रोम है या नहीं है, और उसका जो सेक्स टाइप होता है वो भी आप पता कर सकते हो, वो मेल है या फीमेल है। लेकिन ये मेल फीमेल चेक करने के लिए नहीं होती है, ये जो टेक्निक है ये डेवलप की गई है कि कोई अगर सिंड्रोम वगैरह है तो बच्चे में चेक किया जा सकता है, एमनियोसेंटेसिस। अब इसमें घुमाने वाला ऑप्शन था, सब देखो ये अमीनोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस है, ये अमीनो एसिडियोपैथी है, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अमाइनो है, ये अमीनो है, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अच्छे से गौर करके जिसने पढ़ा होगा नहीं हुई होगी।
ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज, ऑस्मोसिस जो होता है परासरण है, परासरण किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो परासरण क्या होता है, मान लो ये अर्धपारगमी झिल्ली है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, जल मतलब विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट। अब उसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा सोल्यूट पड़ा हुआ है और इधर सोल्यूट ज़्यादा है, इधर सोल्यूट ज़्यादा है, और पानी दोनों ओर बराबर है, वाटर, तो जहाँ सोल्यूट ज़्यादा है उधर की ओर विलायक जो वाटर है वो अपने आप मूवमेंट करता है अर्धपारगमी झिल्ली सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था, द फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन, जो हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन है उसकी ओर लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन से क्या जो सोलवेंट होता है वो डिफ्यूज होता है, ऑस्मोसिस या प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है। प्लाज्मोलाइसिस इन अ सेल अकर्स व्हेन इट इज केप्ट इन, कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब इसे रखा जाता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप रखोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में विलयन में रखा जाएगा तब आपका जो है ये देखने को मिलेगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हिंदी वाले बच्चों के साथ कितनी ज़्यादा वो किया जा रहा है, अब देखो इसका सही से वो है ही नहीं, इसका ट्रांसलेशन ही नहीं है, अब सॉल्यूशन का यहाँ पे विलयन होना चाहिए था, यहाँ वो वाला सॉल्यूशन का मतलब लिखा है समाधान, तो हाइपरटोनिक समाधान समझ ही नहीं पाएंगे क्या है मतलब इसका, ठीक है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों पढ़ाता हूँ, आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा फोकस किया करो, जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी ऐसे ही, फिलहाल उसमें तो ज़्यादा फोकस किया जाता है ट्रांसलेशन पे, क्योंकि वो इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम है, अगर उसमें दिक्कत होगी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फीनोटिपिक डाइहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन इज, F2 पीढ़ी में फीनोटिपिक हाइब्रिड अनुपात कितना होता है, कई बार हटाया था 9:3:3:1 फ्रॉम आ क्रॉस AABB, ये तो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्रॉस कराना है, फिर चार प्रकार के जीनोटाइप मिलते हैं, इनका रेशियो पूछा है, तो इनका रेशियो आप क्रॉस कराओगे तो आपको मिल जाएगा 1:2:1:0। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सो बाई, इनकम्प्लीट जो होता है किसमें सो होता है, मिराबिलिस जलापा, कितनी बार बताए थे, एंट्रेराइनम मेजेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ड्रैगन फ्लावर भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब दो प्रकार के पुष्पों में, जैसे रेड हो, एक रेड और एक वाइट, रेड और वाइट फ्लावर वाले प्लांट में जब क्रॉस कराते हैं तो उसके जो न्यू प्लांट होता है उसमें कैसे आते हैं, गुलाबी पिंक कलर के आएंगे, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो रेड वाला प्रभावी था, डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था, तो होना क्या चाहिए था कि रेड ही होना चाहिए था अगली पीढ़ी में, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट था, लेकिन डोमिनेंसी इसकी नहीं आई, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसिस हो गया, वाइट का भी करेक्टर आ गया, तो ये फोन पीढ़ी जो है इसमें क्या हुआ, पिंक कलर का आ गया, ना रेड ना वाइट उनके बीच का निकला। हु सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला, कितनी बार रटाया था भाई, मॉडर्न सेल थियरी जब बताता था तब बताता था कि जो रूडोल विर्चो थे 1955 में दिया था, बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, एक जीन को प्रभावी कहा जाता है यदि, कब प्रभावी कहोगे, जब वो हर कंडीशन में क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे, तब उसको डोमिनेंट बोलोगे, फोर्थ ऑप्शन सही है। इट एक्सप्रेस बोथ इन हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशंस, या विषम युग्मजी और सम युग्मजी दोनों में व्यक्त करता हो खुद को। व्हेन अ F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद इट्स आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स द क्रॉस इज नोन एज, देखो जब F1 पीढ़ी है उसका हम क्रॉस कराते हैं माता या पिता, मतलब जो F1 पीढ़ी से पहले था, ठीक है, किसी से भी करा देते हैं जब, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। अगर ओनली रिसेसिव से कराते हैं, F1 को रिसेसिव से कराते हैं, तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोविंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड, जब डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू बता सकते हैं, उसका जीनोटाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे थे, तब तक लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे सेटअप में, तो इसलिए इसको भी, तो जो 25th क्वेश्चन था इसका, अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी मैरिज अ वोमेन विद ब्लड ग्रुप ए एंड देयर फर्स्ट चाइल्ड इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो वोमेन थी उसका ब्लड ग्रुप ए था और मैन का वी था, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड था उसका
बी आया, तो उसमें किस तरह का जीनोटाइप हो सकता है, तो आप लोग क्रॉस कराएंगे तो आपको मिलेगा आई बी और स्मॉल आई। द लेथरस ओडोरेटस द क्रॉस बिटवीन टू पर्पल फ्लावर्ड प्लांट्स गिव अ वाइट फ्लावर्ड प्रोजेनी, दिस इज ड्यू टू। लेथरस गंधक में दो बैंगनी फूलों वाले पौधों के बीच के क्रॉस ने एक सफ़ेद फूल वाली संतति दी, इसका क्या कारण है? इन कंप्लीमेंटरी जीन्स बोलते हैं, पूरक जीन के कारण ये हो पाया। टू नॉन एलीलिक जीन्स प्रोड्यूस न्यू फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टूगेदर बट फेल टू डू सो इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड। दो गैर युग्मक जीन एक साथ उपस्थित होने पर एक फिनोटाइप, नए फिनोटाइप उत्पन्न करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, विफल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉन कंप्लीमेंटरी जीन्स, गैर पूरक जीन्स। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन जो इकाई झिल्ली की अवधारणा थी रॉबर्टसन ने दिया था। द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में लिपिड कौन सा पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, उसमें क्या होता है? माइकोसाइनिन होता है, लेकिन माइकोसाइनिन इसमें आपको मायोसिन है लेकिन माइकोसाइनिन नहीं दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो आप कोलेस्ट्रॉल लगाएंगे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा पड़ी होती है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इनका सबका आंसर, ठीक है, मैच करेंगे अपना। और सेकेंड सेमेस्टर की क्लास आज से स्टार्ट करूँगा मैं, और रेगुलर आप लोग कंटिन्यू पूरी क्लास करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, और सारी जितनी भी ट्रिक हैं, जितना भी कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से हैंडल करना है सेकेंड सेमेस्टर को, सारी चीज़ें मैं साथ साथ बताता रहूँगा लेक्चर में, यूनिट वाइज कंप्लीट कराऊँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।